सबसे चीटली, स्मॉल, कनिष्ठिका, जो भी इस फिंगर को आप बोलते हैं, तो इसके जो नीचे का स्थान होता है हृदय रेखा के ऊपर, ये जो स्थान है ना, यहाँ पर जो लाइनें होती हैं ये मैरिज की लाइनें होती हैं। और भी चीज़ों से गणना करते हैं पर ये मैरिज की लाइनें होती हैं। तो यहाँ पर जो लाइन होती है, ये रेखा जितनी ज़्यादा लंबी होगी, लंबी मतलब अंदर की तरफ ही आती हुई होगी, लंबी होगी, ये हमने थोड़ा सा ऐसे बना दी, इसको ऐसे नहीं समझना है आपको, सीधी ही एक लाइन होनी चाहिए, वो भी इस जगह पर जो विवाह की रेखा होती है। तो कुल मिला के आपको साइन भी बता देते हैं। तो इस तरह से जो रेखा होगी, वो रेखा एक तो लाल लाल रेखा हो, दूसरा लंबी लंबी होगी, और गहरी स्पष्ट एक ही लाइन होगी, वहाँ दो तीन लाइनें भी नहीं होंगी, ये तो बन गई है, आप इसको इग्नोर करना। इस तरह की स्पष्ट एक लाइन यहाँ पर होगी, लाल थोड़े से ललाई लिए हुए, लंबी गहरी। तो जिस महिला के हाथ में, हालांकि हाथ की और कंडीशंस भी देखनी पड़ेगी, हाथ की और कंडीशंस भी देखनी पड़ेगी, जिस क्योंकि पूरी वीडियो कई बार कोई नहीं देखता है और फिर आधी अधूरी जानकारी के आधार पर आप कुछ भी कमेंट कर देते हैं, तो ये चीज़ समझना इस बात को। इसीलिए पर्सन टू पर्सन थोड़ा सा भेद होता है, क्योंकि अब इसमें हाथ का आकार और बहुत सारी चीज़ें भी काम करेंगी, पर जिसके हाथ में ये चीज़ें हैं, ऐसी स्त्री अपना जीवन अपने पति और परिवार के लिए न्यौछावर करने वाली होती है, बहुत ही अच्छी महिला होती है और सुहागन ही जाती है प्रायः।